अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। दोस्तों इसके काम देखेंगे किधर बैठा हुआ है। पढ़ ली कैसे हो? ठीक हो दोस्तों? कितने मज़े से बैठा हुआ है। अपनी कैट्स को भी हमने बाहर ले आना है, बहुत जल्द। आज ले आए, कल ले आए, लेकिन उन्हें बहुत जल्द बाहर ले आना है। और दोस्तों ऊपर से सारा काम आज हो गया ख़त्म, कल हो गया था। और दोस्तों फाइनल लुक, OMG फाइनल लुक, माशाल्लाह बहुत मज़े की है। दोस्तों एलेक्स लोगों के पिंजरे के साथ साथ तीन पिंजरे और रेडी करवा लिए हैं। इस टाइम छत के ऊपर फुल गंद है, ये देखें हर तरफ गंद है। आज ये सारी सफाई करनी है और एलेक्स और लैला को भी उनके पिंजरे में बंद करना है। दोस्तों फाइनल लुक आप लोग देखना चाहते हैं? 1 2 ये देखिए दोस्तों फाइनल लुक, माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, OMG लग रहा है। दोस्तों ऊपर छत डल गई है, पानी वगैरह अगर गिरेगा इस साइड से पानी नीचे, और जंगला भी लगा दिया दोस्तों। गर्मियों में ये जंगला हमें बहुत काम देगा, इसलिए लगवा दिया था। पहले मजदूर भाई कह रहे थे कि हम ये जंगला नहीं लगाते, हम सीधी सीधी दीवार खड़ी कर देते हैं। फिर उनके ही माइंड में आया कि नहीं यार जंगला लगा देते हैं, गर्मियों के अंदर ये काम आएगा, यहाँ से हवा वगैरह वेंटिलेशन वाला काम करेगी दोस्तों। यहाँ से जाएगी, वहाँ से आएगी, वहाँ से जाएगी, यहाँ से आएगी। तो ये एलेक्स और लैला का घर हो गया कंप्लीट। एक काम रह गया दोस्तों, इस दरवाजे को लगाना है लॉक, वो भी इंशाल्लाह आज लगा देंगे। तो दोस्तों एलेक्स और लैला का घर आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताएं। पीछे सारी दीवार भी क्लियर हो गया दोस्तों, इसको पानी भी लगाना है आज। और इसके अलावा तीन पिंजरे रेडी किए हैं जो अभी अनकम्प्लीट हैं। इंशाल्लाह जो काम रह गया वो मैं पूरा कर दूंगा। ये हमारे तीन घर बने हैं, 1 2 3, इनका छत डलना है। छत डलने के बाद इनके दरवाजे भी लगने हैं। दोस्तों जो मजदूर भाई का काम था वो करवा लिए, बाकी जो छत का काम है और दरवाजे का काम है दोस्तों सामान पूरा नहीं था, और फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही ये साथ कर लूँगा। तो दोस्तों ये भी हमारे मुर्गे यहाँ पर रह सकते हैं, कबूतर भी रह सकते हैं, लेकिन कबूतर सही से नहीं रह पाएंगे। तो दोस्तों ये मेन मुर्गों के लिए ही हीरांजा लियो और साथ देसी वगैरह, तो दोस्तों ये मुर्गों के लिए बेस्ट है। तो दोस्तों अब एक काम करना है, ये सारा सफाई कर लेते हैं। तो दोस्तों सफाई के बल्कि नहीं, एक काम करते हैं, हमने कमरा भी साफ़ करना है। पहले सारे बच्चों को निकालते हैं ताकि बच्चे धूप इंजॉय करें, हम कमरे को साफ़ करें। कमरे को साफ़ करने के बाद फिर बच्चों को बंद करेंगे, बंद करने के बाद फिर हम सारा छत साफ़ करेंगे। मतलब आज का दिन सिर्फ यही काम होगा। दोस्तों इसकी आँख का कलर बहुत प्यारा है, ये देखें ऑरेंज कलर में। चलो आप जाओ, ये चला गया एक। और चलो बच्चे आपने भी जाना है। इसकी आँख का कलर ज़्यादा प्यारा है दोस्तों, इसकी आँख के कलर में ऑरेंज ऊपर गोल लाइन आ रही है। चला गया दोस्तों, दो चलेंगे। बड़े जोर से लगे दोस्तों, इसको भी हमने फिश को भी छोड़ के आना। तो सारे कबूतर उड़ने लग गए हैं, ये देखें हमारे कबूतर आ रहे हैं, 7 कबूतर उड़ रहे हैं दोस्तों। तो अब दूसरे बच्चों को खोल देते हैं। हीर रांझा खुद ही बाहर आ गए हैं, ये हीर और ये रांझा, और हमारी चिली भी बाहर आई हुई है। हेलो चिली, दोस्तों सब बच्चों को खोल दिया, माशाल्लाह सब मज़े से दाना खा रहे हैं। और वो देखे दोस्तों डकी गैंग वहाँ पे अपना एंजॉय कर रही है, मज़े से नहा रहे हैं। बिग डक अंदर, छोटी डक्स बाहर हैं। टाटो तुम क्यों नहीं बाहर गए? सिर्फ ये अंदर है, रुक जो निकालता हूँ तुम लोगों को, निकालता हूँ। सारे पिंजरे बाहर आ चुके हैं, बड़ा पिंजरा भी बाहर आ गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि बड़े पिंजरे को हमने अंदर नहीं लेके जाना, अंदर जिस तरह पहले छोटे छोटे पिंजरे थे वैसे ही हमने रखने हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत ज़्यादा गंद हो गया था। तो दोस्तों सारे बच्चे यहाँ पे घूम रहे हैं, इनकी भी दोस्ती हो गई दोस्तों, हमारे गुलाब और गुलाबों की भी दोस्ती हो गया। देखें दोस्तों एक दूसरे के पास घूम रहे हैं। दोस्तों काम ख़राब हो गया, अभी सफाई चल रही थी दोस्तों, सारे पिंजरे बाहर पड़े हुए हैं और बारिश आ गई है। कबूतरों को तो मज़ा आ रहा है दोस्तों, बच्चे चूज़े बेचारे सारे यहाँ पे इकट्ठे हो गए। और मैं तो सोच रहा हूँ कि बस कबूतरों को वैसे ही, सब बच्चों को वैसे ही बंद कर दूँ, बाद में इनकी सफाई वगैरह कर लेंगे। दोस्तों बारिश ज़्यादा तेज़ हो गई है, इनको बंद करने लगे हैं। दोस्तों सारा काम रोकना पड़ा, नीचे आ गए क्योंकि बारिश बहुत तेज़ हो गई है, तो काम करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अब मास्टर केज में चलते हैं और बच्चों को खाना वगैरह दे देते हैं,
दोस्तों 2 दिन से व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा, मेरी तबीयत बहुत सख्त ख़राब हुई है क्योंकि 3-4 दिन से ऊपर काम चल रहा था और मैं सुबह टाइम पे उठ रहा था और मुझे लग गया है ठंड। और आज थोड़ा बहुत बेहतर हूँ तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को मिला जाए, हालचाल पूछा जाए, आप लोग मेरा पूछो। तो दोस्तों आज काम ख़त्म हो गया, ऊपर का भी नहीं मतलब दीवार का काम ख़त्म हो गया है और मेरा काम अभी स्टिल वहाँ पे है क्योंकि ऊपर से सारी सफाई करनी है। अभी सिर्फ कमरे की सफाई हुई है और वो भी पता नहीं कैसी हुई है, सुबह आप लोगों को दिखाऊंगा कि क्या हालात है ऊपर के। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? सारों की बस चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक स्टोरी बताऊँ, 2 दिन तो मैं आप लोगों को नज़र नहीं आया। तो दोस्तों कल पता क्या हुआ, हमारी ज़ेब्रा फिंच के जो 2 बच्चे थे, एक बच्चा मुझे पता कहाँ से मिला, इस जगह से दोस्तों, इस जगह पे पड़ा हुआ था यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे, और नो बॉल दोस्तों, बच्चा मर चुका था। एक बच्चा हमें मरा हुआ मिला और दोस्तों सेकेंड बच्चा मेरे ख्याल से अपने घर में ही होगा। नहीं है, नहीं है, है, है। और मेरा ख्याल है ठीक है, ये देखें दोस्तों अपने घर में ही है और माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है। हेलो बच्चे, कैसे हो आप, ठीक हो? चला गया, किधर गया ये दोस्तों? यहाँ पे है। हेलो बच्चे, अरे बात तो सुन ले भाई, एक मिनट, सॉरी, ओए बात सुन ले यार दोस्तों कितना बगार है। अच्छा एक मिनट, इधर आओ, ये लो, तुम अपनी जगह पे जाओ। हाय दोस्तों, छोड़ दिए। तो दोस्तों ये बच्चा बिल्कुल ठीक है और अपने घर में बैठा हुआ, एक बच्चा इसका भाई वो मर चुका है। तो दोस्तों सबको भूख लगी हुई है, सबको दाना देते हैं और इनकी क्या सूरत हाल है। हेलो बच्चे, यार बात तो सुनो, इधर आओ तुम, यहाँ पे चलो अपनी जगह पे, ठीक है? और तुम सुनाओ कैसे हो? वो नहीं, लड़ते नहीं है भाई साहब, लड़ते नहीं है, अच्छा बैठे रहो। और ये हमारा पल्लू, बल्लू का हस्बैंड यहाँ पे है, जो आ जाओ, चलो खा लो, आप लोग खाना खा लो, आ जाओ सब। दोस्तों आना स्टार्ट हो गए हैं सब, माशाल्लाह पहुंच भी गए, एक मिनट लगा मुझे साइड पे हुए। तो दोस्तों इनको दाना दे दिया, अब बारी है इनकी, इनका दाना ये पड़ा होगा। ओए सॉरी, तुम भी ऊपर चली जाओ ना, चलो। ओए सबको इसने डरा दिया, चलो जाके खाना खाओ। दोस्तों नीचे बैठी रहती है तो, और एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको, डायमंड अब दोनों ऊपर बैठी हुई हैं तो मुझे लग रहा है इनकी फैमिली में इजाफा होने वाला है। ओए भाई साहब कैसे हो आप, ठीक हो? दोस्तों इनको भी मैंने खोल दिया था, ये बैठ गया आके। कैसे हो आप, ठीक हो? चलो ऊपर चले जाओ, चले जाओ ऊपर, ये चला गया। और दोस्तों ये देखें, ये भी दोनों बैठी हुई हैं, मुझे लग रहा है इनकी फैमिली में इजाफा होने वाला है। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए इनको खाना दे देते हैं। ये इनका डब्बा तो खाली हुआ है। दोस्तों मास्टर केज की भी सफाई होने वाली है तो इंशाल्लाह कल नहीं, हम करेंगे इनकी सफाई तकरीबन 1-2-4 दिन तक इनकी सफाई कर देंगे। तो आ जाओ बच्चों, बल्लू आ जाओ, यही दाना थोड़ा सा इनको देते हैं। कैट्स को भी खाना देते हैं और मैं सोच रहा हूँ कैट्स को या छत पे ले जाएं या इसको इनको बाहर सेहन में रख दें जहाँ पे दोस्तों ये पहले रहती थी वहाँ पे रख दें। आप लोग कमेंट करके बताएं कि इनको छत पे शिफ्ट करें या इनको बाहर शिफ्ट करें, क्योंकि रूम में ये बेचारी बैठी रहती हैं सैड होके। तो अब बारी है हमारे फैल्कन की, ये ले लेते हैं। दोस्तों सुल्तान की बारी है, सुल्तान को खाना देते हैं। हेलो सुल्तान, लाइट ऑन कर लेते हैं। हाँ जी सुल्तान की थोड़ी सी ट्रेनिंग चेक करें, आगे खुद ही लेके जाए, आजा ये। और ये पता किधर फेंक गया, ये देख, ये पड़ा होगा और खुद वो बैठा होगा, सारा मजा खराब कर देते ना दोस्तों। आया तो है, ये ले आजा, आजा ये ले भाई, ये पड़ा होगा, आजा जा वहां से खा ले, जा ले ले, जा ले ले भाई, अब तो तेरे घर के पास रख दिया, अब क्या मसला है, जा खाना खा ले, तफा हो जा दोस्तों ये भी अजीब ही है, जा ही नहीं रहा, इसका और रख देते हैं खाना, इसकी ना ट्रेनिंग। यार आप लोग कमेंट करके बताएं, यार आप लोग कमेंट भी नहीं करते ना, आप लोग दिल से वीडियोस देखते हो ना, व्यूज़ बढ़ रहे हैं,
इतनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए करता हूँ, सब पेट्स दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का भी मेरे साथ साथ शौक पूरा हो। लेकिन आप लोग भाई अपनी मौजों में घूमो तो लाइक शाइक कर दिया करो यार, कमेंटमेंट कर दिया करो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को ताकि मुझे थोड़ी बूस्ट मिले, मैं थोड़ा बूस्ट हो जाऊँ और मैं और ज़्यादा आप लोगों को शौक करवा सकूँ और ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूँ। और दो दिन से मेरी तबीयत डाउन थी इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका, आज मैं थोड़ा फ्रेश था, दोस्तों पेट ख़राब, वॉमिटिंग, बड़ा काम ख़राब हुआ हुआ था। लेकिन अब वापस आ गए, इंशाल्लाह आपको रेगुलर वीडियो मिलती रहेगी। टाइमिंग भी मैं ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको टाइम पे वीडियो मिल जाए करें ताकि आप मज़े से देख सकें। और जी दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इंशाल्लाह मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। और दोस्तों कमेंट करके बताएं बिल्लियों को बाहर या ऊपर, ये बताना है आपने कि उनको बाहर शिफ्ट करें या छत पे। और ये भी कमेंट करके बताएं कि इसकी हम ट्रेनिंग का क्या करें, इसको ट्रेन करना चाहिए या इसको आज़ाद कर देना चाहिए। जैसे आप बोलेंगे इंशाल्लाह हम वैसे ही करेंगे, हम नहीं मतलब मैं करूँगा। अल्लाह हाफिज़।